ईद हो और खवातीन की तैयारी ना हो, ये कैसे मुमकिन है? तैयारी ही के हवाले से अगर बात करें तो कोल्हापुरी चप्पल की बात ये लेते हैं। कोल्हापुरी चप्पल और खुस्सा हमेशा से ही खवातीन के फैशन का हिस्सा रहे हैं। ईद की खरीदारी में खवातीन का कोल्हापुरी और खुस्सा खरीदने की जानिब रुझान खासा बढ़ रहा है। अबीर अनवर की रिपोर्ट देखिए। खवातीन के चमचमाते सैंडल फैशन में जान डाल देते हैं, लेकिन कोल्हापुरी चप्पल और खुस्से के बगैर इनका फैशन अधूरा रह जाता है। पहनने में आरामदेह और दिखने में शहाना खुस्से और कोल्हापुरी चप्पल हमेशा ट्रेंड में रहते हैं और हर तरह के लिबास के साथ जचते हैं, चाहे शलवार कमीज हो या जीन्स। और जब बात हो ईद की खरीदारी की तो पहली च्वाइस सजी धजी चमचमाती कोल्हापुरी की होती है। कोल्हापुरी चप्पल और खुस्से का इस्तेमाल तो सदियों से किया जा रहा है, लेकिन वक्त के साथ साथ फैशन के तकाजों को पूरा करने के लिए नित नए डिजाइन, डिजिटल प्रिंटिंग और लाहौर लाहौरे जैसे मजाहिया जुमलों की छाप ने उनकी मांग में इजाफा कर दिया है। खवातीन का कहना है कि कोल्हापुरी चप्पल और खुस्से का ट्रेंड हमेशा ही रहता है, ये पहनने में भी अच्छी लगती है, इसलिए इनकी पहली पसंद यही होती है। एक तो वो कम्फर्टेबल है, चलने में बहुत सुकून मिलता है, और दूसरे ये ट्रेंडी है और स्टाइलिश भी लगता है और हर कपड़ों के साथ चल जाता है। आप चाहे जीन्स पहने हुए हों, चाहे शलवार, चाहे कुछ भी, उसके साथ अच्छा लगता है। जो खुस्सा है वो तो हमेशा से ट्रेंड में रहा है और हमेशा किसी भी आप कैजुअल वेयरिंग में, आप फैशन वेयरिंग में देखा जाए तो सैंडल्स की अपनी अलग जगह होती है, मगर खवातीन के फैशन में कोल्हापुरी चप्पल और खुस्से हमेशा ही इन रहते हैं और ईद के दिनों में तो इसकी मांग में खातिर ख्वाह इजाफा हो जाता है। कैमरामैन हाफिज अजीम के साथ अबीर अनवर, वक्त न्यूज़ लाहौर।